प्रयागराज जनपद के जसरा ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अजीत प्रताप सिंह उर्फ पप्पू, जिनको पप्पू सिंह छतरहा के नाम से जाना जाता है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बड़ी जीत दर्ज करके एक इतिहास रच दिया। जैसे कि कहा जाता है कि ये चुनाव सत्ता के चुनाव होते हैं, लेकिन पप्पू सिंह ने अपने मृदुभाषी व्यवहार और जनता के स्नेह के कारण भाजपा उम्मीदवार के जबड़े से जीत को खींच ली। कम उम्र में ही प्रधान बनकर राजनीति की शुरुआत करने वाले पप्पू सिंह कई पदों पर आसीन रहे। पप्पू सिंह ने भारत टीवी 24x7 के रिपोर्टर नावेद खान से बात करते हुए कहा कि मेरी इस जीत का श्रेय ब्लॉक के सभी बीडीसी प्रधान एवं हमारे राजनीतिक गुरु राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह के आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। यूपी के प्रयागराज से भारत टीवी के लिए नावेद खान की रिपोर्ट। आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबर करवाने जा रहे हैं कि जो कभी भी राजनीति में पीछे मुड़ के नहीं देखा और सत्ता के आगे भी घुटने नहीं टेके और जसरा ब्लॉक के युवा ब्लॉक प्रमुख बन के जसरा की जनता के बीच आ गए। हम बात कर रहे हैं अजीत प्रताप सिंह और पप्पू सिंह छतारा की, जो अभी जसरा ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चुने गए। तो आइए बात करते हैं कि इस राजनीतिक सफर में वो कहाँ तक सफल हुए और कहाँ तक अब आगे बढ़ेंगे और जनता की सेवा कैसे करेंगे। भारत टीवी 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। ये बताइए कि आप तो एक व्यापारी हैं, राजनीति इस राजनीति में क्यों आए, कैसे आए? धीरे धीरे व्यापार हमारा चलता रहा, फिर हमारे मन में बात आई कि मैं राजनीति में आऊँ। मैं गोबरा, हमारे बगल में एक गांव है और मैं गोबरा से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा वहां के प्रधान से। प्रधान अपने वाइफ को लड़ाए थे वहां, फिर उनकी वाइफ हमसे हार गई, 200 वोटों में विजयी हुआ। फिर मैं ज्येष्ठ प्रमुख बन गया जसरा का। ज्येष्ठ प्रमुख बनने के बाद ऐसे चलता रहा सफर। फिर ये चुनाव आया सहकारी समिति किसान का, फिर उसमें मैं अध्यक्ष रहा दो बार, क्रय विक्रय का मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, जसरा सहकारी समिति का दो बार अध्यक्ष रहा हूँ। और इस बार मन में जिज्ञासा आई कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना है, तो हमारी दोनों सीट जैसी हो गई हमारे गांव की। तो मेरे मन में लगा कि मैं ब्लॉक प्रमुख बन नहीं पाऊंगा। फिर हमने प्रयास किया, बगल का गाँव एक बसहरा है, जब बसहरा लगा कि सामान्य सीट है बा सहरा, तो हमें लगा कि मैं ब्लॉक प्रमुख बन जाऊंगा बा और बसहरा। फिर वही हुआ और मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया। भैया, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हमारे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य जसरा ब्लॉक के और सभी ग्राम प्रधान और जनमानस जसरा के सभी जनमानस मेरे साथ थे और हमारे चुनाव में बहुत सहयोग किए। और कुंवर रेवती रमण सिंह का पूर्ण मुझे आशीर्वाद प्राप्त था और मैं इसलिए चुनाव दूसरा का जीत गया। भैया, जैसे कि कहा जाता है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो चाहे जिला पंचायत, ये सत्ता का चुनाव होता है। हाँ। तो इस ये भाजपा की सरकार है, सत्ता भाजपा की है, इसमें आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तो इस चुनाव में क्या क्या परेशानी देखा? परेशानी तो इस तरह हमने देखा कि एक बीडीसी पर हर थाने वाले लगे थे, अपने अपने थाने के फोर्स लगाए गए थे। बीडीसी घर में नहीं रह पा रहे थे, कहीं इधर भाग रहे थे, कहीं उधर भाग रहे थे, कहीं यहाँ से फोन आ रहा है, कहीं वहाँ से फोन आ रहा है कि दबाव दीजिए, सत्ता का चुनाव है। हमने कहा आप लोग हमारी मदद करिए, वोट सत्ता नहीं देंगे, बीडीसी ही वोट करेंगे। तो लोगों के मन में आया कि वोट तो हम ही को देना है, और हमारे विपक्षी पार्टी वो जाने लगी कि हम जीत के ही आएंगे, जीत के हैं। लगातार बीडीसी बताते रहे कि भैया जीतेंगे, हमें भी दीजिए। लेकिन मैं लड़ता रहा और हमारे 6 बीडीसी घूमने गए थे, जो हमारे समर्थक हैं, हमारे गांव के हैं, घूमने गए थे। उनको वहां कहीं से पुलिस ने उठा लिया और 6 वोट डलवाने नहीं दिया, चूंकि हमारे आदमी थे, इसलिए पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया समझ लीजिए। और अगर ये 6 वोट पड़ते तो और भी ज्यादा वोट से जीत सकते? हाँ हाँ, कम से कम 20 वोट से हमारा चुनाव जीतने का लक्ष्य था, लेकिन उसको कम कर दिया गया, सत्ता वालों ने कम कर दिया। भैया, जैसे कि इन 5 सालों में भाजपा के कई नेता
सॉरी सपा के कई नेता छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया, लेकिन आप उसी में काबिज रहे। सपा ने ऐसा क्या दिया? सपा ने हमको बहुत दिया। जिस प्रमुख हुए सपा की सरकार थी, जिस प्रमुख बने सपा की सरकार में, और सपा का जो है बहुत हमारे ऊपर, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे युति रमन सिंह जी, सब इनका बहुत साथ रहता है। मैं इसलिए समाजवादी पार्टी कभी छोड़ा नहीं, जब से पकड़ा हूँ तब से छोड़ूंगा भी नहीं। 2022 की क्या तैयारी होगी? 2022 में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि समाजवादी पार्टी को मैं अपने 12 विधानसभा से जीता कर विधायक दूंगा। ये आपको आश्वस्त करा देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सांसद कुमार रेवती रमन सिंह जी को, कि मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपना विधायक बनाकर भेजूंगा, ये मेरा वादा है। भैया इस आज जो ब्लॉक प्रमुख पद पे आप काबिज हुए, इसका जनता को क्या बारा और जसरा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बारा और जसरा की जनता को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ये जीत हासिल हुई है सब उन्हीं लोगों की कृपा से हासिल हुई है ये जीत। ये थे हमारे बीच अजीत प्रताप सिंह और पप्पू सिंह, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख जसरा। इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा राजनीति में, खासतौर पर इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, लेकिन उसके बाद भी ये अपने आदर्शों पे डटे रहे और ब्लॉक प्रमुख बनके जसरा की कुर्सी और जसरा की जनता की सेवा करने के लिए आगे आए। भारत टीवी 24 के लिए प्रयागराज से नावेद खान।